पत्रकार को जान से मारने की धमकी देने वाले शुभम तिवारी पर मामला दर्ज। टीकमगढ़ में पत्रकार पुनीत सागर और विष्णु श्रीवास्तव के साथ मोबाइल पर गाली गलौज करने और धमकी देने के मामले में दबंग आरोपी शुभम तिवारी पर धारा 500 और 501 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में जंप संगठन के पत्रकारों ने बैठक का आयोजन कर घटना की निंदा की। बताया गया है कि आरोपी शुभम तिवारी ने इसके अलावा फेसबुक पर जंप के प्रदेश सचिव श्रीवास्तव पर उल्टे सीधे आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं। इस मौके पर पत्रकार संघ के प्रदीप खरे, विष्णु श्रीवास्तव, अभय मौर्य, रामेश्वर रजक, सूर्य प्रकाश खरे, नीरज जैन, विनोद साहू, नीरज देशमुख, पुनीत सागर, अमित गोस्वामी, नरेंद्र जोशी, पुष्पेंद्र सिंह, परशुराम प्रभाकर, राकेश सोनी, खलील खान सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। कल हमारे पत्रकार साथी जतारा के पत्रकार साथी शुभम तिवारी के साथ उसके पुनीत सागर के साथ शुभम तिवारी नामक युवक ने फ़ोन करके गाली गलौज धमकी जान से मारने की धमकी दी थी। और जब उसका पुनीत सागर का मेरे पास फ़ोन आया और उसने मुझे बताया और बचाने की मुझसे गुहार लगाई, तो मैंने शुभम तिवारी को फ़ोन करके समझाइश देने का प्रयास किया। मेरी समझाइश देने के बदले शुभम तिवारी ने संगठन के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया और मुझे भी गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। इसी तारतम्य में मैंने आज थाना कोतवाली में आवेदन दिया है कानूनी कार्रवाई करने के लिए। कब तक कार्रवाई करेंगे जी? अभी सीडी बना मांगी है टीआई साहब ने गाली गलौज की, और फेसबुक पर जो उसने मेरे खिलाफ पोस्ट डाली है वो उसकी कॉपी मैं दे चुका हूँ। संबंध में ये बैठक आयोजित की गई है, इसके बारे में बताएं। जतारा के किसी शुभम तिवारी ने हमारे पत्रकार साथी पुनीत सागर को फ़ोन पर अनाप शनाप गालियाँ दी और काफ़ी असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। और जब उन्हें समझाने का प्रयास हमारे जंप के प्रदेश सचिव विष्णु श्रीवास्तव द्वारा किया गया, तो उन्होंने संगठन और संगठन के सभी साथियों को लेकर की उल्टी सीधी गालियाँ गलौज की और संगठन को बदनाम करने की भी कोशिश की, जो निंदनीय कृत्य रहा। और सभी पत्रकार साथियों ने आज उस घटना की निंदा की और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया, जो सभी जतारा टीआई और टीकमगढ़ में ज्ञापन देंगे। इसी संबंध में आज ही बैठक आयोजित की गई। महाराज जल्दी बंद करो जो।